वेलकम बैक गाइस ऑन द वीडियो। मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिमकांडी गेमर्स। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक और बार डुओ वर्सेस डुओ गेम प्ले। और गाइस हमारे साथ हैं बिल्ला भाई। और गाइस आज अपन लोग यार बरमूडा रीमास्टर पर डुओ खेलने वाले हैं अपने बिल्ला भाई के साथ। तो गाइस बिल्ला भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यार वीडियो के एंड तक देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपको मजा आएगा तो यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज अपन लोग यार गाइस उतार रहे हैं पोचिनो को। पर वैसे तो मेरा मन पीक पर उतरने का था, लेकिन यार मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अपन लोग यार पीक पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसी वजह से यार अपन लोग उतर चुके हैं अभी पोचिनो को पर। और गाइस धीरे थोड़ा लूटा पार्टी करिए, फिर अपन लोग जाएंगे गाइस फैक्ट्री पर, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइस यार फैक्ट्री पर बहुत सारे बंदे अपन को मिलने वाले हैं। तो चलो यार अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लूट लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं उतरा यहाँ पर मेरे को मिल चुका है M14 और एक हेल्थ और थोड़ी सी M14 की M30 ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं इधर क्या है। तो इधर में मिल चुका ट्रीटमेंट गन और एक ग्लू वॉल, यार बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मिल गया ट्रीटमेंट गन। सो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें दो हेल्थ भी मिली है, अच्छी बात यार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पे देखो अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ मिल चुका है हमें एक प्लाज्मा गाइस मेरे को पसंद नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है ये मेरे लिए। सर चलो अभी देख लेते हैं इस घर की छत के ऊपर क्या है। तो छत के ऊपर मेरे को कुछ आई थिंक UMP आएगा। यहाँ पे देखो UMP मेरे को दिख रही है, तो प्लाज्मा की जगह मैं रख लेता हूँ UMP, क्योंकि मेरे को प्लाज्मा पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी। सो यहाँ पे देखो मैं इस टायर की मन से इस जगह घर पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे को शायद कुछ मिल जाए। तो दो इनहेलर मिल गए, बहुत बढ़िया सांसें हैं, इनहेलर जो भी कह सकते हैं इसे आप लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हो गाइस, किसी में कोई दबाव नहीं है, सब आराम से अपनी अपनी भाषा में सब कुछ कहो इसे ठीक है। तो चलो यार अभी अपन लोग जाते हैं फैक्ट्री पर, हो सकता है फैक्ट्री के रास्ते में अपन को कुछ बंदे बंदों से भेंट वेट हो जाए और अपन लोग उसे ख़त्म कर दे ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यार एक बाउंटी भी चाहिए, मतलब मेरी बाउंटी मेरे को चाहिए, क्योंकि यार मेरे पास कोई मसी गन नहीं है। तो यार मसी गन से बात कर रहा था तो मेरे को MAG मिल गया। सर ये भी बहुत अच्छी सी गन है, तो ये मैंने अभी उठा लिया ठीक है गाइस। तो यार मैं बोल रहा था कि मेरे को अभी बाउंटी कैसे भी करके एक प्लेयर को फोड़ना है और यार उसमें से बाउंटी लेनी है, हो सकता है मेरे को AW या SVD मिल जाए तो यार बहुत अच्छी बात होगी। तो चलो यार अभी अपन लोग जल्दी से फैक्ट्री पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नो सिग्नल भी आ चुका है गाइस। देखो बरमूडा ने बहुत घटिया चीज़ निकाली है इस साल, ये नो सिग्नल मतलब बंदे मतलब तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें हेडशॉट मार्क कर रहे हो ठीक है, और तुम उनके गन पॉइंट पे हो तब भी नहीं दिखता कि बंदा तुम्हारे पीछे या नहीं ठीक है। सो यार ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है मेरे को, लेकिन यार इसके वजह से कभी कभी हमें फ़ायदा भी होता है। तो हर चीज़ का नुकसान है और फ़ायदा भी है ठीक है, सबको दो नज़रिए से देखो, एक नज़रिए से मत देखो गाइस ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार मैंने इसका RL उठा लेता हूँ MAG 7 की जगह, और मैंने MP40 उठा लिया UMP की जगह ठीक है गाइस। तो MP40 मेरे को अच्छी लगती है UMP की जगह ठीक है। SMG में मेरे को UMP यार सबसे गंदी लगती है ठीक है। मैं साथ सीधी बात बोलता हूँ, जिनको अच्छा लगे लगे, ना लगे ना लगे। सो यार यहाँ पे देखो मैं मेरे को यार बैग चाहिए था, वो भी मेरे को बैग मिल गया। तो अभी मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें ले सकता, क्योंकि देखो मेरे पास अब मैंने वो AR MOs वाली एबिलिटी भी बंद कर दी है, क्योंकि देखो मेरे को मैंने दूसरी एबिलिटी ले ली है यार उसकी बदलाए। तो यहाँ पर मैं ARMO भी नहीं रख पा रहा हूँ था, तो मेरे को है क्या कहते हैं साफ सीधी बात, मेरे को सेकंड लेवल का बैग मिला, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो मैं और ले रहा हूँ ARMO, मेरे को बहुत सारी 90 ARMOs मेरे को मिल चुकी है। टोटल 120 ARMO है ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो दो बहुत सारी मेरे को यार रिपेयर किट मिल रही है। तो यहाँ पे देखो मैं MP40 की जगह P90 रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गोलियाँ हैं नहीं और P90 में 50 गोली लगती है, ये बात अच्छी है ठीक है गाइस P90 की। तो यहाँ पे देखो सामने कोई किसी बंदे को रिवाइव कर रहा है, मतलब अपने टीममेट को कोई एक रिवाइव कर रहा है। तो चलो यार उस बंदे को फोड़ने चलते हैं। यहाँ पे यार कारवार तो है या नहीं, मतलब कारवार से जाना आसान होगा, हो सकता है जल्दी पहुँचेंगे गाइस यार कारवार से ठीक है। तो उधर का सामने है, तो चलो यार अभी अपन लोग जल्द से जल्द यार उस कार के पास चले जाते हैं और फिर अपने बिल्ला भाई को उसमें बैठा के चलेंगे। सो गाइस बिल्ला भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ गाइस, बिल्ला भाई आ जाओ यार जल्दी कार में आ जाओ जल्दी, छोड़ भाई बिल्ला भाई को छोड़ के ही जाते हैं यार, मज़े लेते हैं गाइस बिल्ला भाई से। सो अभी यार देखो मज़े बहुत हो गए, बिल्ला भाई थोड़ा चिल्ला रहे हैं। सो चलो यार पीछे जाते हैं और बिल्ला भाई को अपने में बैठा लेते हैं यार, ज़्यादा पीछे चला गया गाइस। सो बिल्ला भाई जल्दी आ जाओ यार, बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी 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 बैठो जल्दी 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 जल्दी, मतलब एक जगह खड़े हो जाते हो यार, ऐसा थोड़ा होता है। तो चलो यार अभी देखो चलते हैं अपन यार रिवाइवर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ठीक है। सर यार रिवाइवर पॉइंट से पहुंचने से पहले ही यहाँ पे हमारा पिट्टी चालू हो गई। और तो चलो यार अभी अपन लोग बंदों को ख़त्म करते हैं और मैं से अपनी बाउंटी लेते हैं ठीक है।
तो यहाँ पे अरे यार थोड़ी कार का हो गया, कोई बात नहीं यार, होता रहता है एक्सीडेंट, तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं बड़े बड़े फ्री फायर में। सो यहाँ पे देखो यार एक बंदा मेरे को दिख चुका था, चलो इसे अपन लोग हेडशॉट मारते हैं। सो यहाँ पे नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा, सो इस बंदे को पता चल चुका हम कहाँ है, सो ये मर्जा मर्जा गया। सो यहाँ पे 110 का बहुत पीछे हेड और इस बंदे ने लगभग हमें खत्म कर ही दिया। 30% एचपी बहुत कम एचपी होती है गाइस। तो चलो यार अभी जैसे मैं अपना इनहेलर लगा के थोड़ी सी एचपी बढ़ा लेता हूँ थोड़ी बहुत, तो आई थिंक इसका पार्टनर भी है तो उसे बिल्ला भाई संभाल लेंगे गाइस, हमें संभालने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैं स्कारलेट की जगह यार AWM उठा लेता हूँ। नहीं गाइस छोड़ो, AWM नहीं वुड पैकर है तो AWM की क्या जरूरत है, यहाँ पे छोड़ो मैं वुड पैकर ही उठा लेता हूँ ठीक है। और एमोस जो है वो स्नाइपर्स की वो बाहर फेंक देता हूँ, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी ARMO ले सकता हूँ। सर यहाँ पे देखो बिल्ला भाई ने भी इस बंदे के पार्टनर को फोड़ दिया, जिस बंदे को अपन लोग ने अभी अभी हेडशॉट दिया है ठीक है। तो चलो यार उसका भी अपन लोग बाउंटी लूटने चलते बिल्ला भाई का, तो यार बाउंटी तो वही लूट सकते हैं, हम तो लूट ही नहीं सकते, तो सब कुछ खराब। तो चलो यार अभी अपन लोग और चीज़ें लूटने चलते हैं, मेरे को लगा उस घर में कोई बंदा है लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं भाई मेरे पास SMGM यार बहुत कमी है ठीक है, बहुत कम SMGM है, सिर्फ 52 है, वो तो अच्छा है, मेरे पास P90 है इसलिए 100 दिखा रहा है, वरना तो गाइस बहुत कम है, सिर्फ 60 MOs है हमारे पास। सो यार यहाँ पे मतलब कुछ है क्या चाहिए, अरे यार अरे बिल्ला भाई क्यों मजे ले रहे हो यार, रिवाइव दो गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखो अपन लोग यार मजे ले रहे थे बिल्ला भाई से, और अभी बिल्ला भाई हमसे मजे ले रहे हैं यार, मजे मतलब यार रिवाइव करो भाई, कहाँ जा रहे हो अबे भाई, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अभी जिंदा करना यार भाई, मैं मर जाऊँगा जल्दी, जिंदा कर अबे, जिंदा कर दे यार, क्या फालतू की बात है, अब क्या कर रहा है यार, जल्दी जिंदा कर, जल्दी जल्दी जल्दी, अबे दिल क्यों बना रहे, मैं मर जाऊँगा, मेरे पास 60% है, बचा अबे बचाना, ये क्या कर रहा है अबे, 20% हाँ अबे पागल पागल है यार बिल्ला भाई तुम, पागल पागल हो गए यार, मतलब 20% HP है, दिल बना रहे हो फालतू में, गुस्सा दिला रहे हो यार। तो चलो यार अभी देखो यार बिल्ला भाई हमसे मजे ले रहे हैं, हम भी भाई ऐसा थोड़ा छोड़ देंगे यार, हम भी बदला लेंगे ऐसे कैसे, अब हम भी यार टीन का डब्बा खोलेंगे लाल वाला, आ जाओ पास आ जाओ पास आ जाओ थोड़ा पास आ जाओ थोड़ा पास आ जाओ, अच्छा अबे भाई साहब ये देखो गाइस थोड़ी देर क्या मैं इधर उधर मेरा कंट्रोल का बिगड़ा है, बिल्ला भाई ने तो टीन का डब्बा ही फोड़ दिया, अब यार मैं मजे भी नहीं ले पाएगा इस, छोड़ो यार बिल्ला भाई हमने यार एक बार किया, बिल्ला भाई ने भी एक बार किया, अब संदीप बंदी हो गया क्या कहते उसे, संदीप बंदी नहीं कुछ कहते हैं, छोड़ो यार मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो कहते हैं बराबर बराबर पता नहीं क्या कहते हैं, छोड़ो यार इस सब चीज़ों को। और अभी देखो यार चलो यार अभी अपन लोग ड्रॉप लूटने चलते हैं, क्योंकि यार मेरे हिसाब से ड्रॉप में हमें कुछ SPD मिल सकते हैं, तो मैं बुढ़पे करके देखा यार SPD ही उठा लूँगा, क्योंकि उसका एक जो छाती पर होता है डैमेज वो 100 का होता है, तो बहुत अच्छा होता है यार, सबसे सीधी बात वुडपैकर से लाख गुना अच्छा होता है SPD। सो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ ड्रॉप के पास, लेकिन यार ड्रॉप में ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप में कार है मॉन्स्टर ट्रक, तो कोई बात नहीं यार इसी मॉन्स्टर ट्रक से हम दूसरे वाले ड्रॉप के पास जाएंगे, हो सकता है उस वो मॉन्स्टर ट्रक तो नहीं होगा गाइस, इतना तो यकीन है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्ला भाई को कार चलानी है, इसलिए वो मुक्का मार रहे हैं, और हाँ गाइस वही थी बात, अरे यार ये क्या हो गया, अरे 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 दो कारें फूट गई सामने से, तो यहाँ पे 56 या 54 का 100, अरे अरे ये क्या होगा, अरे गाइस ये क्या होगा, अबे भाई अरे यार गाइस गाइस ये क्या गलती से मैंने वुड पैकर ले लिया, लेकिन उसे 100 का डैमेज है यार, बिल्ला भाई ऐसे तो मेरा किल ले लिया आपने, लेकिन कोई बात नहीं गाइस यार, देखो भाई बिल्ला भाई फिर से मजे ले रहे हैं, बिल्ला भाई फिर से नहीं दे रहा भाई, बिल्ला भाई कर दो यार, अरे थोड़ी सी 50% भी भाई साहब। तो गाइस यार बिल्ला भाई फिर से मजे लेने लग गए थे, वो तो अच्छा हुआ बिल्ला भाई ज़्यादा मजे नहीं लेते, वरना अभी हमारा काम खत्म हो सकता था। सो यहाँ पे देखो यार इसमें से कुछ ऐसा बढ़िया तो नहीं है भाई, ऐसा कुछ बढ़िया नहीं है, 11 SMGM है ठीक है। सो यहाँ पे देखो डीजा लॉक चालू हो चुका है बिल्ला भाई का, सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यार MP5 ले लेता हूँ, क्योंकि यार MP5 से मेरा अच्छा हेडशॉट लगता है ठीक है, P90 के मुकाबले मेरा ज़्यादा अच्छा हेडशॉट लगता है यार MP5 से। तो यहाँ पे चलो अभी अपन लोग यार जाते हैं रिवाइवर पॉइंट पर, क्योंकि वहाँ पे किसी ने किसी को रिवाइव किया है ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी रिपेयर किट लगा लेता, क्योंकि यार मेरा रिपेयर मतलब वेस्ट और हेलमेट जो थे वो नहीं थे। सो गाइस यार इतनी स्लो कार से अच्छा है कि आप लोग यार पैदल ही चले जाए, वैसे पैदल चलना अच्छा होता है गाइस, आप हमेशा पैदल चला करो, हमेशा कार में ट्रैवल मत किया करो। तो यहाँ पे देखो यार कार कितनी धीमी धीमी थी, तो इससे अच्छा अपन लोग यार कार क्या कहते हैं उसे पैदल ही चलते हैं ठीक है गाइस। सो यहाँ पे देखो कोई बंदा तो मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन यार बहुत तेज भगाते हुए गाइस ये बिल्ला भाई मॉन्स्टर ट्रक लगता है, इनको ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। सो यहाँ पे इनका गुस्सा कुछ मेरे को समझ नहीं आया क्यों आया, लेकिन आया ठीक है। सो यहाँ पे देखो सामने जो है वो ग्लू वॉल है, सो चलो यार अभी ग्लू वॉल के पीछे आर पार देखते हैं क्या। सो आई थिंक यार यहीं पे मारा पिट्टी हुई थी, और इसी के बाद जो है किसी ने किसी को रिवाइव किया था, तो यार इस ग्लू वॉल के पीछे कोई नहीं है, जैसे अपन लोग यार ग्लू वॉल के पीछे मतलब
पास आए वैसे ग्लू वॉल गायब हो गई, लगता है बहुत पहले ही लगाए थे यार ग्लू वॉल इसीलिए। तो चलो यार अभी अपन लोग जो लूट बॉक्स था उसे लूट बॉक्स को लूटने चलते हैं, हो सकता है हमें SMG मिल जाए। और भाई ये बात याद रखो, थर्ड लेवल का बैकपैक है लेकिन स्पेस नहीं है, तो मेरे को फिर से ARMOs वाली वो एबिलिटी डालनी पड़ेगी। लेकिन यार देखो मैंने दूसरी वाली एबिलिटी ली है, मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको यार मैं कितना जल्दी जल्दी अपना वो जो है ना मेडिकेट यूज़ करता हूँ। मतलब मेरे एक मेडिकेट को यूज़ करने में आई थिंक 5 या 4 सेकंड लगते हैं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स लगते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब मेरी ज़िंदगी चले जाएगी। तो सारी एबिलिटीज का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है गाइस, ऐसे नहीं है कि किसी एबिलिटी का कुछ काम नहीं है। सो मैं अभी टेंशन में हूँ कि मैं कौन सी एबिलिटी रखूँ, ARMO वाली रखूँ या ये वाली रखूँ। तो यहाँ पे देखो यार बिल्ला भाई पता नहीं क्यों उतर गया हमारी कार से, मैं थोड़ा देखता हूँ, पता नहीं वहीं पे खड़े हैं, खड़े रहने दो गाइस, हमें क्या है, चलो अपन लोग चलते हैं। अच्छा अच्छा सो गाइस यहाँ पे देखो बिल्ला भाई पता नहीं क्यों गुस्से में है, मतलब पता नहीं क्यों यार यहाँ पे हमारा मतलब कार फोड़ने के चक्कर में। और यहाँ पे देखो यार दोनों के दोनों कार है, बहुत अच्छी ट्रिक लगाई थी इन दोनों बंदों ने, मतलब एक बंदे से मतलब एक बंदा कार चला रहा है तो अपोनेंट बच गया तो दूसरा बंदा ठोकेगा, तो यार बहुत अच्छी चाल थी इन लोगों की, लेकिन हम पे काम नहीं आए, हमारे हमारे दोस्त भी प्रो हम भी प्रो। तो यहाँ पे देखो यार मेरे को थोड़ी चलना मतलब गोली गोली की आवाज़ें आ रही हैं, और आवाज़ क्या गाइस बंदा का पूरा का पूरा एक बंदा ही दिख गया। चलो इसे ख़त्म कर लेते हैं और मर जा। सो गाइस यहाँ पे ये बंदा बच गया हमारे शिकार से, तो चलो इसे ख़त्म कर लेते हैं। और ये गया, सो यहाँ पे बहुत ओपी सा हेड लगा इस बंदे को, और यार देखो इसका पार्टनर भी आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया। सो यहाँ पे यार बहुत ओपी सा 267 का इसके पार्टनर को भी हेड पड़ा है, बहुत ओपी, हमने बहुत बढ़िया खेला। सो यार चलो इन दोनों बंदों को अपन लोग यार लूट लेते हैं, ठीक है। सो यार बहुत अच्छा सा लूट है, इसमें से मिल गया बहुत सारी ग्लू वॉल्स मिल गई यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्लू वॉल्स। और गाइस सामने देखो यार सामने बंदा मेरे को दिख चुका, चलो इसे बंदे को फोड़ देते हैं SVD से, शुभारंभ करते हैं गाइस। और मर जा गया। सो यहाँ पे यार बहुत पैसा इस बंदे को अपन लोग ने फोड़ दिया, तो चलो यार इसे अब अच्छी तरीके से इस बंदे को नॉक कर गया है, तो उसे फोड़ने चलता है, ठीक है। हो सकता है इसका पार्टनर भी उसी इस क्या कहते हैं जो भी है ये उसमें हो, तो वो उसे रिवाइव कर दे, ऐसा तो चाहता नहीं। तो चलो अभी थोड़ा नीड करने की कोशिश है, तो नीड फेल गया। तो चलो यार नीड छोड़ो, इसका मतलब है कि इसका बंदा मतलब नहीं है पार्टनर, बंदा अभी तक उठ के मेरे को ठुक चुका होता है। तो चलो इसे ख़त्म कर लेते हैं। सो मारो, अरे यार मतलब गोली चलाने से पहले ही बंदा ख़त्म। सो यार यहाँ पे अभी कुछ ऐसा तो नहीं है, तो चलो यार अभी अपन लोग फैक्ट्री पर पहुंच जाते, क्योंकि यार फैक्ट्री पर ही जोन आ रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत लूटता हूँ। तो यहाँ पे देखो लूटा पार्टी हो चुका है, तो चलो अभी अपन लोग जाते हैं फैक्ट्री पर। सो गाइस यार यहाँ पे देखो सिर्फ 2 बंदे और हैं हमारे अलावा, ठीक है। सो चलो यार अभी अपन लोग चलते हैं, भाई देखो पता नहीं किस हमारे पीछे है गाइस वो दोनों बंदे, ठीक है। सो हम अपन लोग उन्हीं दोनों बंदों से बचकर भाग रहे, क्योंकि यार वो दोनों के पास बहुत अच्छा सा एरिया है। सो यार अपन लोग मैं और बिल्ला भाई सोच रहे हैं यार कि अभी देखो फैक्ट्री पर ही जोन आने वाला, तो चलो यार अभी लैंड माइन का जाल बिछाया जाए, ठीक है। फैक्ट्री पर हो सकता है वो बंदे आए और लैंड माइन से फूट जाए, तो हमारे पास 3 लैंड माइन है और बिल्ला भाई के पास लगभग 6 लैंड माइन है, तो उन सारे लैंड माइन को अपन लोग जो है सीढ़ियों पर लगा देते हैं, और फिर देखते हैं गाइस क्या होता है, धमाल मचेगा गाइस। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 लैंड माइन जो है इधर ही लगा दिया और 1 लैंड माइन बचा है, तो यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने से पहले यार बिल्ला भाई ने इस सीढ़ियों पर लगा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे मजे के लिए गाइस, हो सकता है नीचे गिर जाए। सो नहीं लगा दिया, अरे ना गाइस नहीं गिरा गाइस, यहाँ पे देखो मैंने सोचा लगा देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नीचे नहीं गिरा। सो यार अभी देखो उस उन दोनों बंदों का अपन लोग यार इंतज़ार करते हैं, ठीक है। हो सकता है वो दोनों बंदे इस साइड से आए या पीछे की साइड से भी आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यार इसी साइड से आएंगे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अपन लोग इधर ही नज़र रखते हैं, ठीक है। सर शायद वो इधर से ही आए, तो हो सकता है यार वो पीछे इस साइड से भी आए, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूँ वो लोग इसी साइड से आएंगे, क्योंकि उधर से तो जोन आ चुका है, मैंने देखा था यार इधर से तो जोन आ चुका है। और अगर जैसा मैंने बोला वो लोग यहीं से आएंगे, और वो लोग यहीं से ही आए हैं, मैं देख चुका हूँ। अरे यार ये क्या होगा गाइस, पता नहीं कैसे फोड़ गया यार मेरे को हेडशॉट मारा यार, ऐसे मतलब ऐसे पता नहीं क्या, किस शायद स्नाइपर भी स्नाइपर है गाइस, शायद पक्का स्नाइपर है। तो यहाँ पे देखो मेरे को रिवाइव मिल चुका है, तो यहाँ पे देखो यार मैंने आपको बोला था कितनी जल्दी मैं हील करता हूँ, तो देखो यार कितनी जल्दी मैं इस एबिलिटी से हील करता हूँ, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ मैं कौन सी एबिलिटी लूँ या ना लूँ, ठीक है। सो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो यार अभी इस बंदों को हेडशॉट मारते हैं, इसने हमें कैसे मार दिया। सो मर जा गया। सो यहाँ पे देखो बहुत 264 का हेड, तो चलो अभी नेड करने की कोशिश करते हैं और इस बंदे को अच्छे से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका पार्टनर भी आ चुका है, सो यहाँ पे देखो 56
सिक्स का डैमेज, 66 का डैमेज। और गाइस देखो एक बम जो है वो थोड़ा दूर चला गया, तो यार उस बंदे ने यार रिवाइव कर दिया अपने पार्टनर को, हमारा किल ले लिया यार उस बंदे ने। तो चलो यार अपन फिर से उस बंदे को हेडशॉट मारेंगे, वो मतलब हमारी गन पॉइंट पे ही होगा। और देखो बंदा आ चुका है, तो चलो हेड मारते हो। और ये गैस यहाँ पे देखो दो दो बार इस बंदे को हेड मारा यार, फिर से वो बंदा रिवाइव कर देगा, ये गलत बात है यार। तो चलो यार यहाँ पे देखो जोन जो है वो आ चुका है यार, यहाँ पे देखो हर तरफ लैंड माइन है, और मैं जाऊँगा तो यार मैं फूट सकता हूँ। अब यार ये क्या होगा भाई, मैं उछल भी नहीं सकता यार, जल्दी फूट जा, जल्दी फूट जा, मैं मर जाऊंगा गाइस, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। कितने ज़्यादा लैंड माइन लगा दिया यार बिल्ला भाई ने, एक ही सीढ़ियों पर इतने थोड़ा लगाते हैं। तो चलो यार अभी जल्दी जल्दी जाते हैं। अब यार देखो जोन मर गया यार, तो यहाँ पे यार मिला, मैंने इतने सारे लैंड माइन लगा दिए थे, तो अपन के पास कुछ चारा भी नहीं था, मतलब हम लोग उस पर चलते तब भी अपन लोग मरते, नहीं चलते तब भी नहीं मरते। सो गाइस, अरे गाइस मैं तो ये बात भूल ही गया था कि हमारे पार्टनर को, मतलब हमारा कोई भी पार्टनर जो है वो लैंड माइन लगाता है, ग्रेनेड फेंकता है, उससे तो अपन लोग जो है मरते ही नहीं है ना यार, ये वाली बात मैं भूल ही गया था। लेकिन यार कोई बात नहीं, मेरे को लगा था वो दो बंदे हैं और यहाँ भिल्ला भाई अकेले, तो कैसे लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो बंदा भी एक ही है। तो यार उस बंदे ने नेड किया और हमारे भिल्ला भाई ने किल ले लिया यार, मेरे को पता था यार हमारे भिल्ला भाई किल ले ही लेंगे। तो यार यहाँ पे हमारे बहुत पैसे, ये डुओ भी कम्प्लीट हो गया और बूया भी हो गया। सो गाइस यार इसी के साथ हो चुका है हमारा एक और डुओ गेम प्ले सक्सेसफुल, और हमारा हो चुका है बूया। लेकिन यार ये बात मेरे को बहुत ख़राब लगी एंडिंग में कि यार मैंने उस बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज दिया लेकिन तब भी नहीं मरा, और गाइस इतने सारे लैंड माइन थे, मतलब मैं वो वाली बात भूल गया। तो यार कोई बात नहीं यार, वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसी और चिमकांडी वीडियोज चाहिए तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार बाय बाय दोस्तों।